15 अगस्त को लेकर प्रदेश के सभी जिलों में विभिन्न आयोजन किए जाएंगे, लेकिन स्वतंत्रता दिवस के पहले भी कई जिलों में आयोजन हो रहे हैं। 15 अगस्त को लेकर प्रदेश भर में तैयारियां की जा रही हैं। इसी कड़ी में जगदलपुर जिले में आज सुबह स्वतंत्रता तिरंगा दौड़ का आयोजन किया गया। ये दौड़ मां दंतेश्वरी मंदिर के सामने से शुरू हुई, जो विभिन्न स्थानों से होते हुए मां दंतेश्वरी मंदिर के सामने सम्पन्न हुई। इस दौड़ में पद्मश्री धर्मपाल सैनी, बस्तर सांसद महेश कश्यप, महापौर श्रीमती सफर साहू, जिला कलेक्टर विजय दयाराम के, पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा, अनेक जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों, युवाओं, पुलिस एवं अर्धसैनिक बलों के जवानों सहित जिले के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। तिरंगा दौड़ आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में यहाँ के जगदलपुर शहर के नागरिक और दूर दूर से अच्छे भी इसमें शामिल हुए। जिस तरीके से उत्साह दिखा है, इस कुर्बानी को याद करने के लिए हम लोग काफ़ी उत्सुक होते हैं। स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी में पूरे देश अभी लगा हुआ है। हमारे देश के क्षेत्रीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हर घर तिरंगा का आह्वान किया है। पूरे देश में तिरंगा यात्रा हो रहा है और यहाँ तिरंगा दौड़ का आज आयोजन किया गया जगदलपुर के इस माई दंतेश्वरी की आराध्य माई दंतेश्वरी के धरा से। और इस दिन हम लोग अपने वो शहीदों को याद करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनको हम अपने जो भविष्य उसके लिए कुछ संकल्प होते हैं वो भी समर्पित करते हैं। इस तरह उन्होंने जो सपने देखे थे उनको पूरा करने के लिए उसमें कुछ उपलब्धि करना। स्वतंत्रता तिरंगा दौड़ शुरू होने के पहले अतिथियों ने शहीद स्मारक में पुष्प चक्र चढ़ाकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। वहीं दुर्ग जिले में अर्धसैनिक बल के जवानों ने तिरंगा बाइक रैली निकाली। इस रैली में बीएसएफ और एसएसबी के जवान और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बीएसएफ छत्तीसगढ़ के महानिरीक्षक आनंद प्रताप सिंह ने तिरंगा बाइक रैली को झंडा दिखाकर रवाना किया। अर्धसैनिक बल के वरिष्ठ अधिकारियों और जवानों ने इस रैली के माध्यम से लोगों को घरों में तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित किया। बीएसएफ के महानिरीक्षक आनंद प्रताप सिंह और उप महानिरीक्षक थॉमस चाको ने कहा कि तिरंगा यात्रा के जरिए लोगों में देशभक्ति भावना विकसित होती है। आज हमारे ऑफिस परिसर से बीएसएफ की टुकड़ी और एसएसबी की टुकड़ी, इन दोनों ने मार्च ऑफ किया है तिरंगा यात्रा के लिए। तो हर घर तिरंगा अभियान में ये हमारी तरफ से आज आयोजित किया गया था। हम एक हर घर तिरंगा का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और इसमें हम तिरंगा बांटेंगे, बांट रहे हैं और लोगों के बीच एक उत्साह फैला रहे हैं कि वो हर घर अपना हर घर पर तिरंगा फहराए। उधर सकते जिले में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने तिरंगा बाइक रैली निकाली, जो शहर के विभिन्न स्थानों से होकर गुजरी। इस रैली में सांसद कमलेश जांगड़े, पूर्व विधायक डॉक्टर खिलावन साहू, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष सहित भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। रैली में शामिल सांसद कमलेश जांगड़े ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में तिरंगा यात्रा का आह्वान किया है और पिछले जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से प्रत्येक वर्ष हम लोग तिरंगा यात्रा निकालते हैं। उसी क्रम में आज शक्ति विधानसभा क्षेत्र का तिरंगा यात्रा आज यहां बड़े जोर शोर के साथ, जोश के साथ, उत्साह के साथ निकाली गई थी। इसी तरह मुंगेली जिले में भी जिला प्रशासन की ओर से तिरंगा रैली निकाली गई। ये रैली खेल परिसर पुराना बस स्टैंड से शुरू होकर हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, जय जवान जय किसान, भारत माता की जयकारे के नारे के साथ विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए जिला कलेक्ट्रेट स्थित जनदर्शन कक्ष पहुंची। इस रैली में मुंगेली कलेक्टर ने मौजूद सभी लोगों को झंडा फहराने और स्वतंत्रता सेनानियों को हमेशा याद करते हुए देशभक्ति के लिए तत्पर रहने की शपथ दिलाई। बच्चे, नागरिकगण, कुछ हिंदूगण सभी लोग शामिल हुए। मैं एसपी साहब और जिला स्तर के अधिकारी शामिल हुए और बहुत अच्छा माहौल पूरे हमारे मुंगेली नगर में बना है, पूरे जिले में बना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है हर घर तिरंगा अभियान का। आज जितनी हम बात करेंगे उसमें भी हम सेलिब्रेट करेंगे। अपने अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं सबको याद करना चाहूँगा।
इसी तरह प्रदेश के विभिन्न जिलों में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसके जरिए लोगों को अपने घरों में ध्वजारोहण करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज छत्तीसगढ़।